पाकिस्तान ने सोचा था इंडिया को हरा के जीत जाएंगे एशिया कप, इंडिया को हरा के जीत जाएंगे एशिया कप। अबे चल भाई, पाकिस्तान जब भी इंडिया को हरा के भाई आसमान पे चढ़ जाता है, हीरो बनने लगता है ना, आगे जाके सीरीज में ठुस पड़ जाता है। चाहे वर्ल्ड कप देख लो या एशिया कप, भाई हम लोगों को ये बोलने का मौका जरूर देता है। तुमको और तुमको बताना चाहूंगा, तुमने भी कुछ उखाड़ा नहीं है, मतलब तुम भी आई हो, हम भी आई हैं। अफगानिस्तान से लड़ाई के बाद ना आसिफ अली को बैन नहीं किया तो पाकिस्तान के फैंस कुछ ऐसे बोल रहे थे, ले हमारे आसिफ भाई को तो बैन ही नहीं किया, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जिंदाबाद आसिफ भाई, इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। और आसिफ अली भाई ने जो परफॉर्मेंस दिए ना भाई साहब, उसके बाद दो मैच में बस हवा निकल गई। ये देखने के बाद पाकिस्तान फैंस डाइवर्ट हो गए, नहीं नहीं भाई इसे बैन करो, ये गलत बात है, ये किसी पे बैट वेट नहीं उठा सकते आप इसे मैच के अंदर, ये हमारा लड़का नहीं, इसे बैन कर दो। पर यार इसमें आसिफ भाई की देखो कोई गलती नहीं यार, उन्होंने तो पहले ही बोला था कि मैं 100-150 छक्के मारता हूं दिन में, अब तुम लोगों ने मैच ही रात में रखवा लिए। रात में सिक्सेस मारते ही नहीं आसिफ भाई। ओह यस, आई लाइक इट। पाकिस्तान ने सारी टीमों को यह बता दिया कि भाई साहब खून पसीने से कैसे हारा जाता है मेहनत करके। श्रीलंका वालों को बांग्लादेश वालों ने क्या उंगली कर दी भाई, समझ में नहीं आ रहा, ये लोग सुबह हगने की बजाय जीतने चले जाते हैं। ओ यार सुबह सुबह नाश्ता मिले ना मिले, जीत जरूर चाहिए सुबह की रोज एक। ये लोग ऐसे पगलाए हुए हैं ना भाई कि अभी वर्ल्ड 11 से भी मैच रखवा देना तो उनको भी हरा के 4 बार नागिन डांस कर देंगे उनके सामने। पाकिस्तान भी सोच रहा होगा यार, चलो शुक्र है भाई एशिया कप खत्म हुआ, वरना श्रीलंका डेली का हराने लग गई थी हमको। पर जो पाकिस्तान ने कल किया है ना भाई, हम इंडियन फैंस का तो दिल गुर्दा फेफड़े सब जीत लिए। यही पाकिस्तान तो पूरे देश में जानी जाती थी, यही तो थी वो एंटरटेनमेंट की मशीन। कहाँ थे इतने दिन यार, फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं पाकिस्तान बैक इन फॉर्म, इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। जैसे अमिताभ बच्चन आज भी फेंके हुए पैसे वापस नहीं उठाता, वैसे ही पाकिस्तान आज भी 2 प्लेयर के बीच में आया हुआ कैच नहीं पकड़ता भाई। हाय उधर दूसरी तरफ सूत्रों की माने तो उर्वशी दीदी ने नसीम शाह पर दौरे डालना स्टार्ट कर दिए। इंसान का समय कितना ही बुरा हो सकता है नहीं, एडिडास से एबिबास पर आ जाए। तो क्या हुआ कि उर्वशी दीदी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक वीडियो डाला जिसमें कि नसीम शाह विकेट लेके से नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा के उधर देख रहे हैं, और उर्वशी दीदी भी ऐसे हंसते हुए नसीम शाह को देख रही है। ये उम्मीद से स्टोरी डाली होगी कि यार नसीम शाह तो लट्टू हो जाएंगे, पैर चूम लेंगे, प्यार में गिर जाएंगे, बच्चे होंगे जो कि ऋषभ पंत को मामा मामा बोलेंगे। तो मुझे कुछ पता ही नहीं है कि उर्वशी कौन है क्या नहीं पता। श्रीलंका के मैच जीतने के बाद गंभीर भाई पाए गए श्रीलंका का झंडा लहराते हुए। अब ये कौन बोल रहा है कि अच्छा हुआ पहले झंडा नहीं लहराया वरना पाकिस्तान जीत जाता। सही बात है। एक न्यूज में यार ये भी आ रहा था कि इंडियन फैंस को जो कि इंडिया की टी शर्ट पहन के दुबई के स्टेडियम में जा रहे थे उनको रोक दिया गया, यहाँ तक कि धक्का मुक्की करने लगे सिक्योरिटी गार्ड और अंदर नहीं आने दिया। क्या हुआ भाई, रिजल्ट पहले से पता चल गया था कि हारने वाले हो, लाइव रोस्टिंग हो जाती स्टेडियम में। फटने से पहले अगर फटने वाले की ना फटे तो फिर क्या फटे। मिर्ची तो भाई साहब पाकिस्तान के रमीज राजा को लगी है। रिपोर्टर ने एकदम इजी सा क्वेश्चन पूछा था कि सर आपको कैसा लग रहा है हारने के बाद, उतने में तो रमीज भाई का पिछवाड़ा लाल हो गया। बड़ी नाखुश है ये। आप देखें, आप इंडिया से होंगे जी, तो आपके 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 तो बहुत खुश होंगे। नहीं नहीं हम खुश नहीं है सर। तो फिर आवाम कौन चेहरे पे, तो कौन सी आवाम। शदाब भाई बीच मैच में जोक कर रहे थे एम्पायर के साथ, उंगली खड़ी करके खुद से आउट दे रहे थे भाई। यार ये सब रिकी पॉन्टिंग में अच्छा लगता है, शदाब भाई अपने तो लेने के देने पड़ गए, कैच भी गया मैच भी गया। ये दुबई में भी चेस करते हुए हार गए। पाकिस्तान फैंस तो स्टार्टिंग में ऐसे बोल रहे थे हमने तो पूरी पिच चार्ट रखी है भाई, एक एक क्रैक पता है दुबई की पिच में कि कहां पर है। जस्ट रिमेम्बर, अगर तुम रिजवान के आज 49 बॉल पे 55 एंजॉय नहीं कर रहे हो तो कल तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता कि तुम उसकी 49 बॉल पे 57 एंजॉय करो। एपिक यार, रिजवान भाई नहीं सुधरेंगे। सारी बॉलें चाट गए पूरी। एशिया कप हम खुश थे, पर हमसे ज्यादा 2 और लोग खुश थे भाई। गौती भाई ने तो पूरा श्रीलंका का झंडा पकड़ लिया था और ऐसे दौड़ने लगा दी वो तो बस। इंडिया एंड श्रीलंका सेलिब्रेटिंग टुगेदर राइट नाउ। यार जैकलिन पर मीम नहीं बनाने का, जैकलिन इज लव। आसिफ अली, शदाब, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन भाई। हाय कोविड चला गया, कोहली की सेंचुरियां आ गई और पाकिस्तान कैच छोड़ने लगा, चलो भाई अर्थ हील कर रहा है वापस। देन नाउ फॉरएवर, इनके तो परपोते भी आएंगे ना भाई, वो भी यही चीज करें, पता नहीं आपस में से टकराने में क्या मजा आता है इनको। शदाब्स हैंड बॉल कमिंग स्ट्रेट इनटू आसिफ अली हैंड, मीनवाइल शदाब खान, मे को आता है सब, मैं एक्सपर्ट है। शदाब भाई देखो हीरो बनने का, हीरो बनना अच्छी बात है पर सही समय पकड़ के हीरो बनने का। एक्सपेक्टेशंस रियलिटी, सपना टूटा है तो दिल कभी चलता है।
पाकिस्तान। कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तान, मीम अपडेटेड। यार पाकिस्तान वालों, हमको तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी यार कि तुम कम से कम एक सीरीज में बहुत सारे मीम्स दोगे, आजकल तो तुम देते ही नहीं हो यार। एशिया कप फाइनल इंडिया राइट नाउ, बहुत मजा आ रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है। श्रीलंका वॉन एशिया कप बाय डिफीटिंग पाकिस्तान इंडियंस, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। इंशाल्लाह बॉयज हग्ड वेल। प्रताप भाई ये कैसे शौक है तोड़े? विराट कोहली, आंटी बाबर घर पर है क्या? उससे दिस विल पास बोलना था। पाकिस्तान राइट नाउ, श्रीलंका 58 for 5, 149 for 6। पाकिस्तान भाई आधी इनिंग्स के बाद बिरयानी खाने चले गए थे, पर जब वापिस आए तो श्रीलंका ने इनका डोसा बना दिया। दिस टू शॉल पास, फॉर्म इज टेम्पररी, कैच ड्रॉपिंग इज परमानेंट। द रियल जॉय ऑफ विनिंग कम्स व्हेन एवरीबॉडी वांट्स यू टू लूज। भाई साहब श्रीलंका को 0% लोगों ने वोट किया था, किसी को नहीं लग रहा था कि जीतेगी, 0%। सोच रहे हो श्रीलंकन फील्डर्स हमारा लर्न करे अपील। भाई ये तो लोग बोल रहे जानबूझ के इसको आउट नहीं किया, इनको लग रहा था क्रीज पर रहेगा, भाई तो ज्यादा अच्छा है, रन रेट को बढ़ा देगा। न्यूज रिपोर्टर बता उर्वशी कहाँ है? नसीम शाह, सबसे पहला सवाल उर्वशी है कौन? ऋषभ पंत, उससे बड़ा सवाल उर्वशी क्यों है? देखिए सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं, कोची में है, डिस्प्रेशन में है सर अभी, अभी कुछ नहीं बताएंगे, नहीं कुछ नहीं बताएंगे अभी, डिस्प्रेशन में है जी। ये अभी कह रहे हैं कि अभी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि डिस्प्रेशन यानी कि डिप्रेशन में है, शुक्र मनाइए अबॉर्शन में नहीं है, ये बोले तो मुझे कुछ पता ही नहीं है कि उर्वशी कौन है क्या नहीं पता, और पता नहीं लोग इस तरह की वीडियोस वगैरह वो करते, मुझे तो पता भी नहीं है कैसा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तुम मुझे नहीं जानते? नहीं जानता, इसका मतलब तुमने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा? बोला ना कभी नहीं देखा है, तो फिर तुमने मुझसे पैसे कैसे लिए? कौन से पैसे? यस साला, ये बहुत ही खतरनाक, इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना, बाकी सीता भाई मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, और इस भाई को मत भूल जाना, और हाँ भाई इंस्टाग्राम वगैरह पे आ जाओ यार, बहुत दिन हो गए चैटें वैटे नहीं करिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करें और पाए 1,00,000 रुपए अपने डेमो अकाउंट में, और मेरा प्रोमो कोड तना यूज कर लेना तो तुम्हारे डिपॉजिट पे तुमको 30% का बोनस भी मिल जाएगा। तो जाइए ट्रेड करिए और पैसे कमाइए।